खुली थी, इस वीक खुली है, फिर लास्ट वीक नहीं खुलेगी, मतलब 2 वीक्स में वन टाइम ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मार्केट है एक और मार्केट है। टीचर भाई है उसके किंग्स इलेवन में जाम किया जा। गुड नाइट। I'm not doing. Okay, good night for all. For all. कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है। जो लास्ट व्लॉग हमने ख़त्म किया था उसके बाद से अब शुरू कर रहे हैं, और जब मैंने बताया था कि आप लोगों को हमने जाना है, हम रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी रेडी है। हमने अलीशा को नहीं तैयार किया क्योंकि उसके कपड़े सही है, मैंने चेंज किए थे, बस इसने ऊपर से जैकेट पहनी है, अनाया से चेंज कर दिया, इसने भी अब ऊपर जैकेट पहनी है, वो हम जब निकलने लगेंगे तभी पहनेंगे, और मैं भी रेडी हूँ। यहाँ पीछे अर्नब रेडी है, देख रहा होगा आपको। तो अभी हम निकलते हैं, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी की भी और थोड़े कपड़े भी, तो वो दोनों हमने सोचा आज टाइम है, 4 बजे आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले हमने सोचा कि हम जो भी ये सामान ले आएँ तो ताकि हम 4 बजे तक फ्री हो जाएं। तो अब हम अभी हमारे पास है 20 मिनट, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट करते हुए जाएँ, तो जैसे जैसे याद रहेगा वैसे वैसे शूट करेंगे, है ना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो देखना कहाँ डाल रहे हैं अपने टैडी को। इधर रखना, इधर लगा, इधर इधर लगा। केड़ी कहाँ है मुझ से? टोपी कहते हैं, टोपी थोड़ी है, तो रबड़ है, हेयर बैंड है, टोपी है। अच्छा चलो सही है, इस पर निकल के हम आपको मिलते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। गाड़ी में बैठ गए हैं और हम चले हैं। कहाँ चले हम? मार्केट जा रहे हैं। तो ये बैठी है नया नया का, मुझे दिख रहा है ना, बारिश भी आ गई, तो अभी हमें यहाँ बता रहे थे मार्केट पहुंच गए हैं, और ये वो मार्केट है सामने, और इसका भी मैं आपको बताऊंगी यह क्या है। ये मतलब डेली नहीं खुलती है, मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे खुलती है, तो लास्ट वीक नहीं खुली थी, इस वीक खुली है, फिर लास्ट वीक नहीं खुलेगी, मतलब 2 वीक्स में वन टाइम ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मार्केट है एक और मार्केट है, वहाँ से जब सामान मतलब कि बच जाता है ना जो सेल किया, तो फिर वो यहाँ आता है, और हमने सामान ले लिया है, तो वो मैं शूट करना पहले भूल गई थी। ये सामान सारा हम डाल दिया, ये सारे पैक कर दिए, टी शर्ट, स्पोर्ट्स की हुडी, शॉर्ट्स, शूज, ऐसा सारा कुछ सामान हमने ले लिया। अभी अर्नब कहता है कि मुझे फीफा कप जो है 2022 का, उसका मुझे पजामा चाहिए, तो वो उसका पजामा लेने गए अपना, क्योंकि उसने देखा कि पापा ने भी लिया, अनाया ने भी लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। अनाया इधर आ, गाड़ी आ रही है, तो बड़ा ही मतलब अच्छे रेट में सामान मिल जाता है यहाँ पे, कपड़े भी हैं और ग्रोसरी भी है। ग्रोसरी तो हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन कपड़े बहुत, कपड़े इलेक्ट्रॉनिक तो सब सामान मिल जाता है यहाँ पे। तो गए, हम वेट कर रहे हैं जब तक वो आते हैं, तब तक मैं इसको अनाया को बैठाती हूँ गाड़ी में। अनाया जा, गाड़ी आ रही है, तब काम अब हो गया स्टार्ट। वो देखो आपको दिख रहा होगा, वो अर्नब आ रहा है फुटबॉल से, उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो उसको मैं लेने आई थी, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग ग्रोसरी, जैसे कि आप लोगों को पता है वीकेंड्स में मैं मोस्टली करती हूँ। तो अनाया से ये थी अलीशा, और बब्बू हैं घर पे ही, अर्नब आ गया। से हेलो टू एवरीवन, से हेलो टू एवरीवन। और कैसे रहा? गुड मामा, मामा ये देखो जो लाइट लेके आई थी ये लगा दी है, अच्छी लग रही है ना। और ये हमारा गेमिंग बॉय बैठा है, क्या ये हमारे किंग्स इलेवन पंजाब का फैन, ये देख आगे से दिखाओ, हेलो टैग भी नहीं आगे से दिखाओ, किंग्स इलेवन पंजाब का सपोर्टर फैन।
और तू कौन है? अन्ना एल्सा। और तू कौन है? अच्छा ये जा टीचर भैया किंग्स इलेवन में जाप किया जा सारा दिन हमने शूट नहीं किया वो टाइम भी नहीं लगा और फिर थोड़ा इजी थे क्या कर रहे हो तीनों क्या देख रहे हो ना क्या देख रहे हो फोटोज अच्छा ये देख रहे हैं फोन की गैलरी में जो फोटोज वीडियोज है वो देखो निशा को देखो गुड नाइट फॉर ऑल अनाया मैं बता दे क्या पी रही है सी मिल्क उन्हें ठंड में थी बात में थे नहीं तू चाय तू भी पी रही दूध नहीं अनाया तो ये देखो अब सोने लगे हैं सबको अनाया गुड नाइट करो गुड नाइट गिला कप हटा के बोलो गुड नाइट अनाया तू ही ओके गुड नाइट फॉर ऑल फॉर ऑल गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो सर ये देखो यार मैंने इसको तैयार कर दिया है और तैयार होकर फिर सो गिर जाए लेकिन और ये तो अभी ज़्यादा सो ही रही है इसको अभी मैंने उठाना है क्योंकि मुझे नया को छोड़ने जाना है तो इसको उठाना पड़ेगा मजबूरी है और अन्ना चला गया स्कूल तो आज मौसम पता नहीं कैसा है बाहर का जाके बाहर पता लगे अंदर से तो पता नहीं लगता क्योंकि हीटर चल रहे होते हैं तो अंदर का टेम्परेचर तो सही होता है लेकिन बाहर जाके पता चलेगा और ये तो बाहर जाके सो गई है बाल भी ख़राब कर दिए होंगे उसने तो ऐसा करती हूँ मैं ऋषा को उठाती हूँ उसको रेडी करती हूँ उसके बाद उसको दोबारा उठाती हूँ कितना अच्छा बच्चा है ये उठ भी गई थी फटाफट ना मैंने रेडी किया फिर लेट गई थी पर मैंने उठाया बिल्कुल नहीं रोती ना नया किंडर गार्डन जाते हुए है ना दिखा मुँह ऊपर दिखा सबको बिल्कुल नहीं रोती है आराम से जाती है उसको उधर बैठाया उसको छोड़ के आती हूँ और वैसे भी किंडर गार्डन के अंदर तो फ़ोन अलाउ ही नहीं है तो उनको मैं शूटिंग कर पाती हूँ हेलो गाइस आप सब कैसे हो घर पे कोई नहीं है कौन है सिर्फ अलीशा है ब्लॉग का एंड नहीं किया था कल भी नहीं किया था कल सारा दिन नहीं हम लोगों ने शूट किया तो बस बिजी रहे और कुछ याद नहीं रहा कई बार ऐसा हुआ कि मैं बाहर गई और फ़ोन घर पे छोड़ गई मैंने सोचा मैं ब्लॉग का पहले मैं वैसे ही ब्लॉग डालने लगी थी फिर मैंने बोला नहीं एंडिंग करके फिर मैं ब्लॉग को अपलोड करती हूँ तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अभी आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो जल्दी मिलते हैं हम आपको एक नए ब्लॉग के साथ और अभी अनाया दिखेगी नहीं आपको अभी क्योंकि उस टाइम है नहीं अरना भी नहीं सिर्फ अभिषा है तो बाय बाय जल्दी मिलते हैं आपको